एक्सेल ओपन करने के लिए स्टार्ट पे जाना है। यहाँ पे देखो मिल जाएगा एक्सेल हीरा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऑल प्रोग्राम्स में जाके। आपके बार आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में, इसमें आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ठीक है। रन कमांड विंडो प्लस आर प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल, चूज करके एंटर कर देना, एक्सेल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसका बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला बार। ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको सेल्स बोलते हैं। सेल्स, ये जो ए बी सी डी लिखा है ना, इनको कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। ये जो 1 2 3 लिखा है ना, इनको रोज बोलते हैं। रो नंबर 1, रो 2, रो 3, रो 4। जब एक कॉलम और एक रो आपस में ना इंटरसेक्ट करते हैं, तब एक सेल बनता है, ठीक है। या ये जो सेल बना है कौन से रो और कॉलम से बना है? कॉलम बी, रो है 3, तो इसका जो नाम होगा ना B3 हो जाएगा। बी और 3, ये देखो B3। हाँ, सेल का नाम दिखाता है नेम बॉक्स। इसका है C5, कॉलम है C और रो कौन सी है? 5। ऐसे किसी पे भी आप क्लिक करोगे उसका नाम ये आपको दिखाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो आप। ये होता है फॉर्मूला बार। जो भी आप इस सेल के अंदर लिखते हो, चाहे आप टेक्स्ट लिखो चाहे फार्मूला लिखो, वो आपको दिखाता है फार्मूला बार, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको लिखा टीचर, वो आपको फार्मूला बार में दिखाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे फार्मूला लगा रहा हूँ आपके बार में, इक्वल लिखा 2 + 2 पर एंटर कर दिया, ये क्या करेगा? ये आपको ऐड करके दिखा देगा। यहाँ पे आपको 4 दिखाई देगा, मगर हमने यहाँ पे कुछ और लिखा था, फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, ठीक है। जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे ना कभी भी, तो वहाँ पे ना 3 सीट आती है, Sheet 1, Sheet 2 और Sheet 3 के नाम से। आपको और सीट चाहिए तो आप इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे और सीट आ जाएगी। जितनी बार आप क्लिक करते जाओगे उतनी बार वो सीट आती रहेगी। नई सीट इंसर्ट करने की ना शॉर्टकट के होते हैं Shift+F11। या तो आप इस पर क्लिक कर लो या फिर Shift+F11 प्रेस करो, न्यू सीट आ जाएगी। एक्सेल के एक्सटेंशन होते हैं .xlsx, अभी लिखवा दूंगा मैं आपको .xlsx, ठीक है। इसमें ना ये नंबर जैसे ABCDEFGH है, अभी तो ये दिख रहा है इतना यहाँ तक लिखा हुआ है वो। इसको और इधर जाओगे ना और भी मिलेगा, जितना आप जाते जाओगे उतना मिलता जाएगा। लिमिट है? हाँ, अभी बताऊँगा। ऐसे नंबर है, नीचे जाओगे नंबर आते रहेंगे, 25, 26, 27, मतलब बहुत सारे नंबर है। अगर आपको देखना हो कि ये कितने होते हैं, मतलब कितनी रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, तो क्या करोगे? कहीं पर भी क्लिक करके ना कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो प्रेस करना है, आप चले जाओगे बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। लास्ट जो कॉलम होता है ना वो XFD होता है, इससे जेड पे ख़त्म होगा तो दोबारा से स्टार्ट होगा AAA BAC AD, ठीक है। फिर वो AZ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर BABCB ऐसे करके स्टार्ट होगा, लास्ट जो होगा ना XFD तक होता है। वापस से शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो प्रेस करना, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाओगे। ऐसे ही आपको ये देखना है कि नंबर मतलब रोज कितनी होती है, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे, ये होती है 10,48,576। ऊपर जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो, ठीक है। कंट्रोल के साथ राइट करोगे तो लास्ट कॉलम पे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो प्रेस करोगे तो स्टार्टिंग वाले पे आ जाओगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो लास्ट वाली रो पे आ जाओगे, कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करोगे तो फर्स्ट वाली रो पे आ जाओगे। अब देखो एक तरीका और है इसको देखने का, दोनों के बीच में यहाँ पे ना क्लिक करना, ये ना सारे के सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाएगा 10,48,576, आर मतलब होता है रोज, ठीक है। मल्टीप्लाई 16,384, सी मतलब कॉलम्स, इतनी रोज होती हैं और इतने कॉलम्स होते हैं। वहाँ पे आपको ABCD में दिखाया था कि XFD तक कॉलम होते हैं, यहाँ पे आपको नंबर में दिखाएगा कि 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है कितनी रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। अगर आपसे कोई सेल पूछ ले कि ये सेल कितने होते हैं, ये बॉक्सेस सेल कितने होते हैं, तो क्या करोगे? जितने भी रोज है उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉलम से, तुम्हारी सेल की संख्या आ जाती है। ये नंबर ना बहुत बड़ा आता है, इसलिए इनको बता नहीं सकते कितना होता है। तो हम क्या बोलते हैं, आप रो को
कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी सेल की संख्या आ जाएगी। अब देखो अगर आपको कोई भी नंबर बार बार लिखना हो, जैसे मान लो 20 है, एक बार लिखते ही दोबारा से सेल पे जाना। इसके देखो तीन सिंबल आते हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, इसे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सिंबल है ये वाला, इससे आप सेल को मूव कर सकते हो। जैसे दो में है, अभी रो नंबर दो में है, मेरे को एक में चाहिए, इस पर क्लिक किया और इसको ऊपर की तरफ ले जाओ और छोड़ दो। हाँ, जब ये वाला सिंबल आए तब, ठीक है। इसके अलावा राइट में जाओगे, राइट बॉटम पे क्लिक करना, ये जब ये वाला प्लस वाला सिंबल आ जाए तो क्लिक करके इसको ड्रैग करना, या नीचे से ड्रैग हो जाए, ड्रैग करने के लिए होता है, ठीक है। वही नंबर बार बार ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको काउंटिंग लिखनी है एक से लेके 100 तक, एक लिखोगे दो लिखोगे, अब दोनों को ना सिलेक्ट करना, ये वाला सिंबल होता है सिलेक्ट का, क्लिक किया और सिलेक्ट किया। इसके बाद कॉर्नर पर जाओगे और इसको नीचे ड्रैग करना, साइड में दिख रहा है 21, 22, 23, 24, ऐसे नीचे लेके जाओगे, 100 तक चाहिए ना आपको, यहाँ से जाओ 100, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअली लिखते काफ़ी टाइम लगता है। मान लो आपको टेबल चाहिए 19 की, मेरे को टेबल नहीं आती, मेरे को इतना पता है 19 से कम 19 होता है, 19 दूनी 38 होता है। 19 लिखोगे, 38 लिखोगे, दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ड्रैग करोगे, लास्ट में पता है हमें 190 आता है, तो जहाँ पे भी आपको 190 दिखता है वहाँ पे जाके इसको छोड़ दो। ये आगे हमारी 19 की टेबल। ऐसे 40 की लिखनी है मेरे को टेबल, मेरे को नहीं आती, इतना पता है 40 से कम 40 होता है, 40 दूनी 80 होता है। दोनों को आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद इसको ड्रैग कर दोगे ऐसे। ये ना एक पैटर्न को पकड़ता है और इसी को कंटिन्यू रखता है। जैसे मान लो मेरे को ऑड नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, ऐसे होता है 1, 3, फिर 5, 7, मतलब एक छोड़ के एक। आप ऐसे इनको सिलेक्ट करो, अब इसने पैटर्न देख लिया 1, 3 है, उसी को कंटिन्यू कर देगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। इवन नंबर लिखने हैं, 2 लिखा 4 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया, एक एक छोड़ के आ जाए आगे समझ। अब मान लो मेरे को क्या करना है, पहले एक लिखना है, फिर दो नंबर छोड़ना है, 2 और 3 छोड़ दिया, फिर 4 लिखा, फिर 5 और 6 छोड़ दिया, फिर मैंने 7 लिखा, ठीक है। आप चाहे 2 नंबर लिखो चाहे 3 नंबर लिखो, पैटर्न को पकड़ के ड्रैग कर देगा, सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया। अब ये क्या करेगा, 2 नंबर छोड़ेगा, 7 के बाद 8, 9 को छोड़ा 10, 11, 12 का छोड़ा 13, 14, 15 छोड़ेगा 16, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हो आप। इसके अलावा ना संडे मंडे लिख सकते हो, संडे कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है संडे मंडे लिखने की, संडे लिखा उसके बाद इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। और नीचे लेके जाओगे ना तो रिपीट हो जाएगा, जैसे सैटरडे के बाद हमने नीचे लेके गए, रिपीट हो गया। ऐसे आप जनवरी फरवरी लिख सकते हो, जनवरी लिखा, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, इसके बाद उसको ड्रैग करोगे नवंबर दिसंबर, ठीक है। शॉर्ट में लिखोगे, जैसे हम शॉर्ट में ना एस यू एन लिख देते हैं या फिर जे ए एन लिख देते हैं जनवरी के लिए, इनको भी आप ड्रैग करोगे तो आ जाएंगे। जैसे संडे को करते हैं पहले फ्राइडे सैटरडे, जैसे जनवरी फरवरी दिसंबर। अब सभी को सिलेक्ट करके मैं डिलीट मार रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ए। देखो मैंने ना इस वाली टेबल पे सिर्फ क्लिक करके कंट्रोल ले किया तो इसने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, एक बार और प्रेस करना सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से बैक स्पेस नहीं करना, डिलीट बटन प्रेस करना। अब आपको ना एक टेबल बना के उस टेबल को सेव करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे नेम, उसके बाद यहाँ पे ना 2-3 सब्जेक्ट डाल देना, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, तो भी 5 सब्जेक्ट डालने आपको, ठीक है। 5 डालने के बाद 3 ही हो गए, चौथा यहाँ पे डालोगे, 5वां यहाँ पे डालना है, 5 डाल देना। उसके बाद यहाँ पे ना नाम डाल देना, ऐसे कोई भी नाम, राम, श्याम, अमन, अमित, सुमित, कोई भी 10 नाम आपको डालने। डालने के बाद यहाँ पे ना नंबर डालने आपको, मार्क्स बना, मैं एक तरीके से मार्कशीट आपका बनाना। हाँ, यहाँ पे 45 डाल दिए, यहाँ पे 58 डाल दिए, यहाँ पे 65 डाल दिए, 100 के अंदर अंदर डालना, ठीक है। बनाने के बाद कंट्रोल एस को सेव कर लेना, अपना नाम डालोगे, फाइल की लोकेशन देख लेना आप कहाँ पे सेव कर रहे हो, उसके बाद सेव कर लेना, ठीक है। उसी फाइल में ना आपको बाद में काम, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसी फाइल की, उसको अच्छे से सेव कर लेना।